के महरौली में आज भी अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई जारी है, यानी कि डीडीए का बुलडोजर आज चौथे दिन भी चल रहा है और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं आज की, डीडीए का दस्ता आज एक बार फिर से महरौली इलाके में पहुंचा है। मैं कसम खा रही हूं, मैं याद है छलांग मार दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर मेरे घर को कुछ भी हो गया, मेरे कुछ भी हो गया, मैं अपने बच्चे लेके कहां जाऊंगी, मेरे पास और क्या है, धक्का मार के जाहिर कर रहा धक्का, मेरे पास और क्या है। हां ये हटाइए सर, नहीं नहीं, और स्टे ऑर्डर 2:30 बजे तक आगे गए। मीडिया है ना, मीडिया लोगों के घर बचाती है ना, सच में सबके पैर फटे को, मेरा घर बचा दो, हमने स्टे ऑर्डर के लिए हम आए गए थे, किसी तरीके मेरा घर बचा दो, मेरा घर बचा दो, हमें एक मौका जो मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, हम भी तो सिटीजन है ना, पूरी प्रॉपर्टी के पक्के कागज है, पूरी चैन है हमारे पास, मेरे फादर ना सारी उम्र घूमने नहीं गए, कर्जा उठा के आंखें काली कर ली, ये मकान बनाया और ये टूट रहा है, वो शुगर के पेशेंट है, मर जाएंगे, हमें बिना बताए ऊपर चढ़ गए, मैंने बोला मेरी सिस्टर, मेरी दुकान का स्टाफ है, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, दे स्टार्टेड ब्रेकिंग एंड दे बोल रहे हैं वो थर्ड फ्लोर से तोड़ रहे हैं ना, आपको क्या है, धक्का मार के साइड कर दिया पुलिस। तो ये देखिए लोग परेशान हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि उनकी आशियाने को ना उजाड़ा जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लोग बेबस हैं, जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की पूंजी लगाकर जिस व्यवसाय को खड़ा किया, जिस घर को बनाया, जिस आशियाने को बसाया, आज वो जमींदोज हो रहा है, तो लोगों के आंखों से आंसू बरबस बाहर निकल रहे हैं, मिन्नतें की जा रही है कि कार्रवाई को रोका जाए, क्राउड में फंसा हुआ, कोर्ट के शरण में जाने की बात कह रहे हैं, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हीं लोगों के मकान पर स्टे दिया है जो लोग आज से 4 दिन पहले कोर्ट में गए थे, जो लोग कोर्ट नहीं जा पाए थे उनके आशियाने पर यह स्टे नहीं है, कोर्ट इस मामले को 16 तारीख को सुनेगा, लेकिन उससे पहले डीडीए लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिल्ली के महरौली इलाके से दिखा रहे हैं, कुछ दिनों पहले तक ये इलाके दिन के 12 बजे के वक्त गुलजार रहते थे, लोगों की भीड़ रहती थी, आवाजाही रहती थी, इनका कारोबार चलता था और इसके जरिए इनके घर की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन आज ये पूरी तरीके से असहाय हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, जिनके दुकान टूट रहे हैं कि आखिरकार आगे ये अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, जबकि जिन लोगों का घर है उनका ये तर्क है कि उन्होंने, उनके पास कागजात हैं, उन्होंने सरकार को बकायदा टैक्सेस दिए हैं, रजिस्ट्री करवाई है, उसके बाद उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है, तो बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है कि अगर ये गलत था तो यहां पर रजिस्ट्री कैसे हो गई है। और ये देखिए ये बड़ा क्रेन अब अंदर दाखिल हो रहा है, यानी कि जो ऊपर के फ्लोर हैं उनको संभवतः इससे डेमोलिश किया जाएगा, क्योंकि जेसीबी से नीचे के निर्माणों को तो गिराया जा सकता है, जो ऊपर के इलाके हैं, जो ऊपर का निर्माण है उनको गिराने के लिए ये बड़ा क्रेन इस वक्त आया है। तो लगातार ये चौथा दिन है जब डीडीए की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, लोगों ने दुकानों से अपने सामानों को बाहर निकालना शुरू कर दिया ताकि दुकान तो टूटे, कम से कम जो उनके सामान दुकानों के अंदर हैं वो सुरक्षित रहें।
मेहरौली इलाके में लगातार ये चौथा दिन है जब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई जारी है। तो दिल्ली के मेहरौली इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, अपने आशियाने को और अपने दुकानों को लोग टूटते हुए देख रहे हैं। देखिए दुकानों से सामान निकाल रहे हैं ताकि कम से कम उनका जो सामान है वो सुरक्षित रहे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप देख रहे हैं जहां अपने दुकानों से लोग सामान बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं जबकि कुछ लोगों के आंसू थम नहीं रहे, बेबस हैं, लाचार हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका जो आशियाना है वो बच जाए। तो कार्रवाई इस वक्त दिल्ली के मेहरौली में डीडीए के द्वारा किया जा रहा है। आज चौथा दिन है डीडीए की कार्रवाई का। मैं खाली कर रही हूँ अपना सामान, मैं अपनी एक एक चीज उठा लूंगी। अगर ये कह रही है ना इनका है, अगर इन्होंने एक भी मेरी जगती मैं कार जाने दी तो मैं अपने आप को यहीं पे चला लूंगी। मैं चला लूंगी। 50 साल पुराना है ये, छोटे बच्चे 50 साल पुराना, 63 इयर्स पुराना है सर, 63 इयर्स पुराना। पागल हो गई ये सरकार, पागल हो गई ये सर। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई अथॉरिटी किसी चीज को सन 1963 से 1959 से अलॉट करती है तो क्या उसका कोई वजूद नहीं है? आप कहाँ कब से रह रहे हैं सर? नाइन सर, मेरी 45 साल की उम्र है और मेरा बर्थ इसी घर में हुआ था। मेरा घर इसी 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 मेरा पर्स हुआ था। सब कुछ सबूत है, सब नोटिस मिला था डीडीए की तरफ से। मेरा था, मेरा था, कोई एक ही नोटिस पूरी मेहरौली चिपकाया हुआ है। कितने दिन का समय दिया था? बोला था सर 10 दिन का समय दिया था। और कहीं ना कहीं वो नीचे देख रही कि कार्रवाई क्या होने वाली। से ये कार्रवाई जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो हाथ जोड़ रही है लगातार और कहीं ना कहीं एक निवेदन भी है। सिर्फ इसलिए है कि हम यहाँ पर पिछले 60 सालों से रह रहे हैं, हमारे पास सारे कागज हैं, उसके बावजूद भी ये क्यों तोड़ा जा रहा है? लोग कागज दिखा रहे हैं, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी डिमोलिशन कैसे हो रहा है लोगों का सवाल है। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 40 सालों से लगातार हम हर तरीके का टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं। किस अधिकार से वो टैक्स दिया जा रहा था? क्या सभी विभागों पे इस पे सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? जी तो फिलहाल सवाल वही खड़े हो रहे हैं। लोगों का ये तर्क है कि पिछले 45-50 सालों से वो यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर कारोबार कर रहे हैं, फिर आखिरकार अचानक से ये इलीगल कैसे हो गया? जो भूल भुलैया क्षेत्र है उसके मॉन्यूमेंट के आसपास की दुकानें, और यहाँ पर बड़ी संख्या में रिहायशी नहीं है। इन्हीं दुकानों के ऊपर जो परिवार हैं वो रहते हैं, जो मालिकान हैं वो रहते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में परिवार नहीं है, लेकिन हाँ जो परिवार हैं आज वो जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों के पैर पड़ने लगे, जिस तरीके से वो गुजारिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको समय दिया जाए, और 10 दिन किस हिसाब से नोटिस दिया गया था, किस हिसाब से चीज़ें जो थीं वो एकदम से बदल गई, 40 सालों में जो चीज़ें नहीं हुई, लोग प्रॉपर्टी के बार बार पेपर्स दिखा रहे थे, और कहीं ना कहीं आज यहाँ पर महिलाएं जो थीं वो बार बार पुलिस अधिकारियों के पैर पड़ती दिखाई दी कि हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हमारा घर ऐसे मत तोड़िए, बहुत मेहनत से बनाया, और लोग लगातार इस चीज़ का आग्रह कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस हद तक जो डिमोलिशन है
वो यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर ये कुछ समय पहले ये बिल्डिंग पूरी बनी हुई थी, अभी इसको गिरा दिया गया है। इसके अलावा जो आगे इधर लीगल कंस्ट्रक्शन था उसको भी गिराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको राहत आज के लिए मिले। जी तो फिलहाल राहत की बात की जा रही है, राहत की मांग हो रही है, कोर्ट के शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या वक्त चाहिए। लेकिन डीडीएस संभवतः लोगों को वक्त देने को तैयार नहीं है और लगातार ये देखिए कार्रवाई चल रही है। एक अनुबंध के तहत हमको यहाँ पर जमीन दी गई, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। और आप ये देखिए मॉन्यूमेंट के ठीक सामने की जगह है, तीन चार भाइयों ने मिलकर एक 900 वर्ग गज की जगह ली थी और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपना आशियाना खड़ा किया। वो बता रहे हैं उस दौर में 19,000 से अधिक की कीमत की ये जमीन उन्होंने 900 वर्ग गज ली थी और आज इसको डीडीए ने अवैध घोषित कर दिया है। इतना लंबा समय है और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होती है वो वाकई में देखने लायक है। और लोग महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो दुखी दिखाई दी। लोग बार बार पेपर लेके घूम रहे हैं लेकिन शायद आज डीडीए किसी की बात सुनने के मूड में नहीं दिख रहा। जी तो डीडीए किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और बदस्तूर जो कार्रवाई है वो डीडीए की जारी है। डीडीए का बुलडोजर चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है और लोगों के सपने ध्वस्त हो रहे हैं। तो ये कार्रवाई, दो तस्वीरें देखिए। पहले तस्वीर जहां पर लोग अपने अपने घर की जो बालकनी है वहां से इस कार्रवाई को मजबूरी भरी अंदाज में देखने को मजबूर हैं, अब वो कर भी क्या सकते हैं। तो दूसरी तरफ कार्रवाई लगातार जारी है। तो कार्रवाई आप देख रहे हैं मेहरौली इलाके में आज चौथे दिन में जारी है। तो दिल्ली के मेहरौली इलाके में आज चौथा दिन है जब डीडीए की कार्रवाई चल रही है। लोग अब करें तो क्या करें, कोर्ट से एक राहत की उम्मीद है लेकिन कोर्ट जाने के लिए भी लोग वक्त मांग रहे हैं कि अगर उनको वक्त मिल जाए तो कोर्ट में जाकर स्टे लेंगे। लेकिन डीडीए संभवतः किसी की आज सुनने को तैयार नहीं है। और ये चार तस्वीरें देखिए इस पूरे कार्रवाई की, लगातार आज चौथा दिन है जब कार्रवाई चल रही। पहली तस्वीर है 10 तारीख की, 10 फरवरी की जब डीडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी और 10 तारीख को जब कार्रवाई चल रही थी तो कुछ लोग कोर्ट की शरण में गए तो कोर्ट ने उन लोगों के घरों पर या दुकानों पर कार्रवाई को रोक दिया था, यथास्थिति बना कर रखने को कहा था जो लोग उस दिन कोर्ट में गए। उसके बाद 11 तारीख को कार्रवाई डीडीए की जारी रही।
लेकिन जो लोग कोर्ट नहीं जा पाए थे उनके यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। बीच में शनिवार और रविवार पड़ गया, तो 11 तारीख और 12 तारीख शनिवार और रविवार पड़ने के कारण कोर्ट बंद था, तो लोग कोर्ट जा नहीं पाए। आज जरूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई शख्स और जो समूह है लोगों का वो कोर्ट जरूर जा रहा होगा। और वही आज कुछ लोग कह भी रहे थे कि उनको कम से कम मौका तो दिया जाए कि वो कोर्ट में जाएं, लेकिन उससे पहले उनके रिहाइश की जगह को ना तोड़ा जाए, उनके दुकानों को ना तोड़ा जाए, वो कोर्ट से स्टे ले लेंगे, कम से कम उनका पक्ष तो सुना जाए, क्योंकि 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आज चौथा दिन है और कार्रवाई लगातार जारी है और अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि आज कोई कोर्ट गया है, कोर्ट ने इस मामले में कोई बात कही है, क्योंकि कोर्ट में जब मामला जाएगा फिर ये देखना होगा कि कोर्ट उसको तत्काल सुनता है या नहीं सुनता है। तो चार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और आज 13 फरवरी, जब डीडीए की कार्रवाई मेहरौली में चल रही है। आप यहां देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीन्स और इसके अलावा 3 जो जेसीबी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और डिमोलिशन इस हद तक हुआ है कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो हटाई गई हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहां पर निर्माण था वो यहां से हटाया गया है। लगातार कार्रवाई चल रही है, इस समय ऊपर जो यहां पर मशीन्स रखी थी उनको निकालने का काम किया जा रहा है, जो मालिक हैं वो इनको निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सामान निकालने का प्रोसेस था वो भी यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने सबने सुबेरे किया। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ की तस्वीरें कि यहाँ पे जो दुकानें थीं उन सबका सामान जो है वो यहाँ पे सड़कों पे रखा हुआ है। और लगातार मैं प्रयास करूँगा, कैमरा सहयोगी राजेश से कहूँगा कि एक बार आगे आके आप यहाँ की तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे लगातार 3 जो जेसीबी है वो यहाँ पर चल रहे हैं, लगातार डिमोलिशन का काम हो रहा है। 3 जेसीबी यहाँ पे लगे हुए हैं और कार्रवाई लंबी है। ये पार्क की बाउंड्री यहाँ पे आती है और बाउंड्री के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरी जो दुकानें हैं ये डिमोलिश की जानी है। जी विशाल, तो फिलहाल मेहरौली इलाके में देखिए कार्रवाई इस वक्त चल रही है, कार्रवाई का चौथा दिन है। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आज यहाँ पे हंगामा देखने को मिला, जो महिलाएं थी वो अपने घर की तरफ दौड़ रही थी, जो पुलिस अधिकारी थे और इसके अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जवान थे वो लगातार महिला पुलिसकर्मी जी तो उन महिलाओं को बार बार बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। महिलाएं लगातार पुलिस अधिकारियों के पैर पड़ रही थी, कह रही थी कि ये जमीन हमने तब ली जब हम यहाँ पे विस्थापित किए गए। और अधिकतर यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये बिल्डिंग उन परिवारों की हैं जो पाकिस्तान से विभाजन के बाद यहाँ पर आए। उनका कहना है कि पुनर्वास के तहत उनको यहाँ पे फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी दी गई। लगातार जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वो फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री के पेपर्स दिखाए, उनका सवाल था और कहीं ना कहीं सवाल जो है वो जायद भी लगता है कि किस तरीके से लगातार पिछले 40 सालों से वो हाउस टैक्स दे रहे थे, वाटर टैक्स दे रहे थे, इसके अलावा बिजली के बिल जो थे वो लगातार जा रहे थे, वो सारे कागज लेके बैठे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि हमने कोर्ट में अर्जी डाली हुई है, हम 2.5 घंटे का समय मांग रहे हैं, लेकिन जो डीडीए है वो अपनी कार्रवाई नहीं रोक रहा। आप देख सकते हैं इस कार्रवाई यहाँ से शुरू हुई है और आगे मेहरौली थाने की तरफ जानी है, लगातार कार्रवाई चल रही है। जो बुलडोजर, जो डीडीए का पीला पंजा जिसे कहा जा सकता है, वो इस समय अपना काम कर रहा है। और तो फिलहाल मेहरौली इलाके में डीडीए का पीला पंजा चल रहा है लोगों के दुकानों पर और लोग बेबस होकर इस कार्रवाई को देखने को मजबूर हैं।